हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जो आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर को ओपन होने वाला है, शांति स्पिनटेक्स लिमिटेड का। तो वहां पर हम आज के दिन इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो देखो, डिफेंसिव होकर हम किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। अग्रेसिव होकर ही एसएमई आईपीओ को अप्लाई किया जाता है, बट अग्रेसिव होकर मैं इस कंपनी को अप्लाई नहीं करूंगा। अगर मुझे इस कंपनी को आईपीओ अप्लाई करना भी हुआ तो मैं हाईली अग्रेसिव होकर करूंगा, और वहां पर भी मेरी कुछ कंडीशंस होगी, मेरा कुछ क्राइटेरिया होगा। अगर वो फुलफिल होगा तभी मैं वहां पर उसे अप्लाई करूंगा, और वो कौन सा क्राइटेरिया होने वाला है वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं आज के फेस पर बात करूँ तो मैं सिर्फ जो मेरे रिस्क फैक्टर आ जाते हैं डिफेंसिव और अग्रेसिव ही आ जाते हैं। हाईली अग्रेसिव मैं बहुत कम होता हूँ, स्पेशली एसएमई आईपीओ में। तो वहां पर ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा, बिकॉज ये इस लड़ी का जो ये 9 आईपीओ से जहां पर हमारा पैसा ब्लॉक होगा, बट बाकी आईपीओ के लिए वो पैसा अनब्लॉक नहीं होगा। तो उस वजह से फंड की कमी होने की वजह से भी और काफी अच्छे आईपीओ होने की वजह से भी तो मैं उन आईपीओ में ज्यादा प्रेफरेंस देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी लास्ट प्रेफरेंस में आ जाएगा, जिनमें से अगर मुझे किसी आईपीओ को अप्लाई करना हुआ जो मेरा माइंड सेट क्लियर है कि मुझे वो आईपीओ तो अप्लाई ही नहीं करना, तो वहां पर तो उनको तो मैं प्रेफरेंस में गिनूंगा ही नहीं। एनीवे, ये मेरा डिसीजन था जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा, और उसके बाद अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूँ तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल डेरी फैब्रिक्स। अब ये फैब्रिक्स वगैरह क्या है तो ये एक तरीके का अगर हम कहें तो कपड़े कह सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो फैब्रिक के हम कपड़े पहनते हैं, मतलब कि हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सभी फैब्रिक से बने हुए होते हैं। तो इन चीज को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनी की जो जो फैब्रिक्स वगैरह काम करती है, किस तरीके से कौन कौन सी इसके बाद शेड्स होने वाली है, वो डिटेल्स दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो वो अहमदाबाद में होने वाली है, गुजरात में, जिसका एरिया होने वाला है 8660 स्क्वायर मीटर का, और यहाँ पर 96 एयरजेट वीविंग मशीन होने वाली है। अगर हम ओवरऑल इसके काम की बात करते हैं तो एक ऐसा काम होने वाला है जहाँ पर काफी ज्यादा हाईली कॉम्पिटिशन होने वाला है। काम अच्छा है बट कंपटीशन इस सेक्टर में काफी ज्यादा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स में अगर हम टाइम टेबल देखते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को, क्लोज होगा 21 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 22 दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू होंगे 26 दिसंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे शेयर इफ्लोट 26 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 27 दिसंबर की, फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 66 to 70 रुपीज का, 2000 शेयर्स का एक लोट होने वाला है, टोटल इशू साइज था 31.25 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू था 18.82 का और ओएफएस है 12.43 का। इस आईपीओ का सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट था ये ओएफएस, क्योंकि जब भी किसी एसएमई आईपीओ में अगर ओएफएस देखने को मिलता है तो वहां पर मेरा माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि मैं इसको बीइंग एन अग्रेसिव होकर तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, और एक अच्छे खासे पोर्शन का, मतलब कि एक तो छोटे साइज का आईपीओ है और उसमें भी 12 करोड़ का आईपीओ सिर्फ और सिर्फ ओएफएस है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपना माल बेचकर जा रहे हैं तो मुझे उस कंपनी में शक हो जाता है, स्पेशली एसएमई में। मेनलाइन कंपनी में इतनी मेजर दिक्कत नहीं आती, देखो नेगेटिव पॉइंट वहां पर भी होता है बट मेनलाइन कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रोड होती है और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया होता है। बट यहाँ पर एसएमई कंपनी, यहाँ पर पहली बात तो कि जितनी भी आईपीओ आते हैं लॉन्ग टर्म में कितनी टिकेंगी, बड़ी मुश्किल से 100 में से 10 कंपनियां ही वहां पर टिकती हैं जो अच्छे से ग्रोथ करती है और अपने इन्वेस्टर को फायदा करा के देती है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे में जब प्रमोटर्स को खुद ही अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है तो क्या मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूं। तो इस वजह से मुझे एसएमई कंपनी में ओएफएस पसंद नहीं आता और इसी वजह से मेरा यहां पर डिसीजन ऑलमोस्ट ना हो चुका था। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो बीएससी पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है, और उसी के साथ साथ कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का, लोट साइज एक लोट 2000 शेयर्स का होने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की, प्री इशू होल्डिंग थी 87.49% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.57% की। कंपनी के प्रमोटर भारत भूषण ओम प्रकाश अग्रवाल एंड रिकीन भारत भूषण अग्रवाल सर होने वाले हैं।
अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल की अगर मैं ओवरऑल में इंडायरेक्टली बात करूँ तो एक अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं। टोटल असेट 119 करोड़ थे 2021 में, जो इंक्रीज होते थे 175 करोड़ 2023 में और 174 करोड़ के हमें 30 सितंबर 2023 में देखने को मिल रहे हैं FY24 के पहले 6th मंथ में। रेवेन्यू की बात करते तो 112 करोड़ से 255 करोड़ फिर 370 करोड़, काफी जबरदस्त ग्रोइंग ट्रेड देखने को मिली है जो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए, और 162 करोड़ की पहले 6 मंथ में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, फिर 4.8 करोड़ का, फिर 10 करोड़ का और फिर 5 करोड़ का। अगर हम देखते हैं कि रेवेन्यू तो काफी अच्छा हो रहा है बट प्रॉफिट उसके कंपेयर में काफी कम हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमें काफी कम देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज कम्पेयर टू रेवेन्यू कम होते हुए देखने को मिल रहा है जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 6100 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 47 करोड़ का कैश और टोटल बोरिंग है 347 करोड़ की, हालांकि रिड्यूस करी है बट बोरिंग से इतना मेजर इंपैक्ट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कैश अच्छा अवेलेबल है और वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो भी इनकी काफी ज्यादा मैनेज्ड है तो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कोई मेजर ऑब्जेक्टिव मुझे देखने को नहीं मिला है, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये IPO ला रहे हैं जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो 9.82 की पी होने वाली है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 118 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.81%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 10.12%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75, EPS 7.13 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.07%। एसेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और EPS बाकी सब कुछ हमें ओके अच्छा देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट हम ओके बोल सकते हैं बट EPS हमें फिर से कम देखने को मिल रही है, जहां पर भी ये हमारे लिए छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं तो वहां पर जिंदल वर्ल्ड वाइड जिसका PE 56 का, RB डायनेमिक 17.35 का, मनोमय टैक्स इंडिया 15.77 का, यूनाइटेड पोली पैप गुजरात 36.19 का PE। अगर आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखोगे तो अपने पीयर कंपटीटर से जो अपना IPO काफी सस्ता ला रही है, बट अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखते हो, इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहां पर इस ऐसी वैल्यूएशन पर आ रहा है जहां पर इस कंपनी ने ओके वैल्यूएशन रखी है, ना ही ज्यादा महंगा आ रहा है ना ही ज्यादा सस्ता आ रहा है, तो ऐसी वैल्यूएशन पर ये IPO आ रहा है। मतलब कि कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप तो छोड़ा है बट किस तरीके से जहां पर डिमांड जाती है स्पेशली HNI कैटेगरी में वो इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, जिसके बेस पर मेरा इसमें अगर मुझे हाईली अग्रेसिव होकर अप्लाई करना हुआ तो मैं उस IPO को अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं इसे इजीली इग्नोर कर दूंगा अगर मुझे वहां पर अच्छी डिमांड देखने को ना मिली, इनफैक्ट काफी अच्छी डिमांड। अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ग्रे मार्केट में इसका कुछ भी GMP हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और उसी के साथ साथ हमने जहां पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस इस कंपनी को स्टडी किया है, ये किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, वीर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।